राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में जयराम सरकार ने अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाया। सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार की कामयाबी भरे 2 साल पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। अमित शाह के सामने सीएम जयराम ठाकुर ने 3 साल बाद फिर से रिज मैदान पर सीएम के रूप में शपथ लेने का दावा किया। 2 वर्ष बीते, साथ चलते हुए बीते, काम करते हुए बीते। हिमाचल के इतिहास में छोटी आयु में जिम्मेवारी मिली, उस जिम्मेवारी को समझने की कोशिश की, समझने के बाद उसको निभाने की कोशिश की, और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात पूरे हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा क्षेत्रों में सब जगह जाना हुआ, कोई विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर जाना नहीं हुआ। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर तैयार की गई पुस्तिका सेवा और स्वावलंबन का विमोचन किया। अमित शाह ने 2 साल के कामयाब शासन पर सीएम जयराम की पीठ थपथपाई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने सीएए को लेकर विरोधी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी वाले भाई आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, देने का प्रावधान। कार्यक्रम में आए बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने सूबे में दोहरे इंजन की सरकार से विकास होने का दावा किया। साधारण घड़ी नहीं है, यह एक ऐतिहासिक घड़ी है। ये रिपोर्ट कार्ड रखने की प्रथा, ये जनता का दरबार सजने की प्रथा, ये मुख्य सेवक के द्वारा दिया गया रिपोर्ट कार्ड और केंद्रीय नेताओं का आशीर्वाद, ये आपने पहले किसी और सरकारों में देखा था क्या? कभी देखा था क्या? आज आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेने की ताकत आई है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार को आई है, ये हमको समझ। 2017 में हुए हिमाचल विधानसभा में बीजेपी ने 44 सीटों पर फतह हासिल की थी, जिसके बाद 27 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर जयराम ठाकुर सत्ता पर विराजमान हुए थे। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला।